साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वह फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हम दो मुद्दों पे हम बात करेंगे जो आपके बार बार सवाल आ रहे हैं। एक थर्ड ग्रेड भर्ती जो 2023 थी उसके रिवाइज रिजल्ट को लेके, जिसमें कब तक रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, इसे कौन कौन से में आएगा, कितना अंतर होगा रिवाइज रिजल्ट में उसमें, और एक सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है वो आ रहा है नए रेट को लेके, थर्ड ग्रेड को लेके, नई आने वाली भर्ती को लेके, कब तक आएगी, पद कितने हो सकते हैं, तैयारी को लेकर इसकी करें उसकी करें, पात्रता ही करें, मुख्य परीक्षा ही करें, या पहले से जिन्होंने तैयारी कर रखी है किस प्रकार से करें, बुक्स को लेके, वो सभी बातें इसमें आराम से करेंगे। साथियों देखिए शुरू कर रहे हैं पूरी बात आराम से, उससे पहले एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे सभी साथियों तक, और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बने। साथियों साथियों जैसे आप सभी को पता भी होगा, टेस्ट जल्द शुरू होने वाली है, डेमो टेस्ट हो रहा है, अपना खुद का ऐप है अपनी कलम अपने नाम से, वहां पर जुड़े, वहां पे टेस्ट सीरीज हो रही है। थर्ड ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके गा उसको लेके हैं, तो सभी साथी प्ले स्टोर से सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज एप डाउनलोड करें, कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां से जरूर जुड़े। साथी ऐप का नाम है टेस्ट सीरीज, आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, वहां से वो ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज से जुड़े, ठीक है। और अपना टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज। देखिए पहले बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट को लेकर, मैंने पिछले वीडियो में आराम से चर्चा की थी, लेकिन जो साथी नए जुड़े हैं या बार बार जो कमेंट कर रहे हैं उसके लिए है कि कब तक आने की संभावना है। तो साथियों उन्होंने बोला है कि अक्टूबर माह सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल था, ग्रेजुएशन वाला वो होने के बाद में हम इसका रिवाइज रिजल्ट का देखेंगे। तो अक्टूबर ये हो गया है, तो इसका माह मतलब ये हो गया अक्टूबर माह में ये रिवाइज रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। और विषय की बात करें तो लगभग सभी विषय में ये संभावना है प्रश्नों के चेंज होने की, तो प्रश्नों के जिनके चेंज होकर जो गलत थे पहले वो सही हो जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएंगे, और जिनके सही थे जो गलत हो जाएंगे वो माइनस में चले जाएंगे। तो जिनको फायदा उन्हीं को होगा, जिनके पहले गलत हुए हैं तो अब कोर्ट के माध्यम से कमेटी के माध्यम से यदि वो सही हो जाते हैं तो आप प्लस पॉइंट हो जाएंगे, और आप नई कट ऑफ वाली जो होने वाली है उसमें जो कट ऑफ पॉइंट पहले बनी थी यदि उसमें आप शामिल होते हैं, जो पहले फाइनल कट ऑफ थी यदि उसमें आप शामिल हो रहे हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात नहीं है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में जैसे 75% कट ऑफ रही है, आप 74.8 या जो भी आपके बने, तो 1% सही होने से यदि आप उस कट ऑफ में शामिल हो रहे हैं तो आप उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा साथियों। और जब इसी साथ ये कम हो गए और जो चयनित है पहले से चयनित है उसका क्या होगा, तो देखिए साथियों पिछली भर्ती में एक बार ऐसा हुआ भी है कई बार, उसमें या तो सरकार अपने आप नए पद सृजित करेगी शेडो पोस्ट के माध्यम से, या हम कोर्ट के माध्यम से आराम से उसमें कोर्ट में जाके आराम से हमारी सीट नहीं वो सृजित हो जाएगी साथियों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। तो कितना का अंतर आ सकता है, तो 2-3 क्वेश्चन का लगभग मेरे हिसाब से ये अंतर आ सकता है, ठीक है। वो तो आगे देखा जाएगा कौन सी क्वेश्चनों को कमेटी उठाती है, कौन से को डिलीट करती है, कौन से को यहाँ पे सही करती है, कौन से को गलत करती है, वो आगे होगा, लेकिन लगभग सभी में ये संभावना है साथ, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नई रीट को लेकर, तो नई रीट को लेकर जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से खबर मिली कि हमारा अनुमान यदि हमें सरकार से शिक्षा मंत्री जी से यदि कोई सूचना मिले तो हम जो बोर्ड परीक्षा होनी है मार्च अप्रैल में 10वीं की 12वीं की, उससे पहले कराने का हमारा हमारा अनुमान है। नई रीट पहले क्या होनी है, पात्रता होनी है। तो रीट क्या है, रीट पात्रता है। तो यदि सरकार शिक्षा मंत्री जी उनको निर्देश देते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो रीट कराते हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपकी रीट हो जाएगी, मतलब कभी भी उनको कहते ही वो विज्ञप्ति जारी कर देंगे और आपके अगले महीने में अक्टूबर लास्ट तक आपके ये विज्ञप्ति आ सकती है रीट को लेकर। वो सरकार शिक्षा मंत्री जब भी एक्टिव हो उनको कहीं सूचना दे तो आराम से हो जाएगा। तो उनका ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यही अनुमान है कि हम ये जो बोर्ड एग्जाम हो उससे पहले पहले हम ये पूरी करवा दें पात्रता की बात। उसके बाद पात्रता का रिजल्ट आएगा, ठीक है, पहले एंश्योर किया जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो उसको लेके 2 महीने लग जाएंगे लगभग रिजल्ट में आने में वापस और थर्ड ग्रेड फॉर्म भरने में, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड ग्रेड फॉर्म महीने भर भरे जाएंगे, फिर 3-4 महीने का गैप होगा उसमें। तो मान कर चलिए आप 2025 एकदम लास्ट तक नवंबर दिसंबर तक आप मान सकते हैं ये मुख्य परीक्षा हो सकती है जहां तक मेरा अनुमान है। तो ये कब तक, ये मैंने बात कर ली है, पद पात्रता में कोई पद नहीं होंगे, मुख्य परीक्षा में पद शामिल होंगे, कितने पदों की भर्ती होगी, पदों के लेके हम बात करें तो लगभग अभी 23,000 तो वो प्राइमरी माध्यमिक में आपको मैंने बताया था, 17,000 के बाद वो पद खाली है, तो कुल मिला के 37-38,000 पद माध्यमिक और प्राइमरी में खाली हो रहे हैं। तो उसमें वर्तमान शाला दर्पण की रिपोर्ट के आधार पर तो लगभग आपके उस आधार पर यदि साल भर लगता है उसमें लगभग साल भर लग जाएगा तो 30,000-32,000 के आसपास ये भर्ती आ सकती है साथियों। वो सरकार के आगे है कि आगे क्या होता है, कितने पदों पर रहती है, वो आगे की है, लेकिन ये है तैयारी। यदि आपके पहले से रीट पात्रता अच्छे से अंकुश है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में पात्रता के आधार पर भी भर्ती हो सकती है
तो आप बहुत अच्छे से एक बार तैयारी करके पात्रता का एग्जाम दें, क्योंकि अभी मुख्य परीक्षा में समय लगेगा, तो जो पात्रता की अच्छे से तैयारी करके आप दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जिनकी पात्रता पहले थी वो शायद 2-3 साल पहले पुरानी हो गई होगी, तो 21 वर्ष वाली वो है वो रिजेक्ट हो गई, वो या वैलिडिटी पूरी हो गई, तो 22-23 की जो लाइफ टाइम थी यदि वो आपके पास में अच्छे अंकों से हैं तो आप वो रखें। मेरा राय आपको, मेरी राय यही है कि आप अच्छे अंकों के साथ में यदि आप रीट पात्रता लेना चाहते हैं लाइफ टाइम, तो उसको अच्छे अंकों के साथ में तैयारी करके एग्जाम दें, क्योंकि भविष्य में कोई सरकार चेंज होती है और वो कह दे कि हम तो केवल पात्रता के आधार पर ही ये भर्ती करवाएंगे, तो आपके अच्छे अंक होंगे लाइफ टाइम में तो वो काम आएंगे। ठीक है, एक बात तो ये, वरना मैं ये कहूंगा क्योंकि इसमें राजस्थान जी के भी है, शिक्षण विधियां भी है, मनोविज्ञान भी है, आपके ऐसी भाषा भी होगी जो आपके सब्जेक्ट होगा, तो आप मेरा कहना ये है वो आपके तैयार तो साथ में हो रहे हैं, तो क्यों ना हम तैयारी करके पात्रता के साथ में दें, एक एग्जाम हम देंगे, एग्जाम एक जितना एग्जाम हम देंगे उतना अनुभव हमारे काम आएगा। तो ये आपको आपके ऊपर है, आपकी खुद की सोच है किसकी एग्जाम देनी चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, किताबों को लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इस सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लग रही है वर्तमान में कौन सी किताबें अच्छी चल रही है, उस आधार पे रिव्यू करके आराम से अलग वीडियो बुक के माध्यम से बुक की तैयारी को लेकर अलग अलग वीडियो 2-3 वीडियो में बता देंगे। ठीक है साथियों, और कोई भी आपके सवाल हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में रखें, अगले वीडियो में हम उनसे बात करेंगे, तैयारी को लेकर हो, आपकी पात्रता को लेकर हो, आयु संबंधी, योग्यता संबंधी कोई भी हो, शैक्षणिक योग्यता हो, कमेंट रखें। टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा या कमेंट बॉक्स में लिंक है, सीधा वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हैं अपनी कलम अपने आज, प्ले स्टोर से सर्च करें अपनी कलम अपने आज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।